हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड सेल्फ केयर पर। फ्रेंड्स, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में खुशहाली, सुख समृद्धि के रंग हमेशा भरे रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। फ्रेंड्स, आज होली के मौके पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बैज रायता। तो चलिए देखते हैं कि बैज रायता कैसे बनाते हैं। बैज रायता जो कि खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है, साथ ही साथ फ्रेंड्स ये बहुत हेल्दी भी होता है और बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर का एक अच्छा सोर्स है। इसे बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं। तो चलिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेना है हमको बैज रायता बनाने के लिए देखते हैं। फ्रेंड्स, जितनी क्वान्टिटी में हमें बैज रायता बनाना है उस हिसाब से हम दही लेते हैं। तो मुझे 4 से 5 लोगों के लिए बैज रायता बनाना है, इसलिए मैंने एक बॉल ये दही लिया है। आप लोग विद क्रीम ले सकते हैं और विदाउट क्रीम भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने लिया है विद क्रीम, एक बॉल ये दही लिया है। और उसके लिए मैंने फ्रेंड्स ये मसाले लिए हैं कुछ, जैसा ये धनिया पाउडर, ये चाट मसाला, ये जीरा पाउडर है, ये काली मिर्च पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर, ये काला नमक है और थोड़ी सी ये हींग ली है। ये जीरा है, लेकिन ये जीरा मैंने पिसा हुआ यूज़ करूँगी। और उसके साथ मैंने फ्रेंड्स लिए हैं कुछ वेजिटेबल्स, देखते हैं क्या क्या यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये इसके लिए मैंने कुछ पके टमाटर लिए हैं, ये गाजर ली है, ये खीरा, ये प्याज, ये पत्ता गोभी लिया है फ्रेंड्स, ये अदरक, हरी मिर्च, ब्रोकली। अगर आप अपनी इच्छा से चाहें तो कोई दूसरी सब्जी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं अक्सर फ्रेंड्स यही सब्जियां यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने यही लिया है। उसके साथ मैंने थोड़ा सा शुगर ली है। अगर आप लोगों को मीठा रायता पसंद हो तो फ्रेंड्स आप शुगर यूज़ करें, आपको पसंद नहीं हो तो शुगर यूज़ ना करें। तो चलिए, मैंने ये सब्जियां फ्रेंड्स कट करके पहले से ही रख ली है, तो ये मेरी कटी हुई सब्जियां। इसके साथ मैंने थोड़ा सा धनिया और पुदीना भी कट करके रखा है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं बैज रायता। सबसे पहले हम लोग एक बोल ले लेंगे जिसमें हम ये बैज रायता रेडी करेंगे। तो ये जो कर्ड हमने लिया है ये इसमें डालेंगे सबसे पहले। उसके बाद में फ्रेंड्स इसमें मैं एक चम्मच इसमें शुगर ऐड करूंगी। मुझे मीठा रायता पसंद है इसलिए फ्रेंड्स मैं शुगर ऐड करती हूँ। इसके साथ अपने स्वाद अनुसार आप लोग जितना भी सॉल्ट पसंद करते हैं उतना अपने स्वाद अनुसार इसमें सॉल्ट डालिए। लाल मिर्च पाउडर भी फ्रेंड्स आप अपनी स्वाद अनुसार, किसी को तीखा पसंद होता है, किसी को कम तीखा, तो अपने हिसाब से डालिए। इसी हिसाब से ये काली मिर्च पाउडर भी अपने स्वाद अनुसार डालिए। आधी चम्मच जीरा पाउडर यूज़ किया है और आधी चम्मच मैंने फ्रेंड्स ये चाट मसाला यूज़ किया है। थोड़ा धनिया पाउडर लेंगे और थोड़ा सा इसमें फ्रेंड्स हम लोग डालेंगे हींग। हींग पाचक होती है इसलिए फ्रेंड्स मैं हर चीज़ में थोड़ा हींग डालना पसंद करती हूँ। अब इसको फ्रेंड्स अच्छे से हम लोग मिला लेंगे। इस रायते को बनाने से पहले जो दही है उसको अगर आप मिक्सी में चला लेते हैं जार में डाल के, तो जो रायता है वो बहुत अच्छा बनता है। तो यूज़ करने से पहले जार में चला लीजिए, बहुत अच्छा प्लेन रायता बनता है। इसमें ये है टोमेटो कटे हुए जो मैंने यूज़ करना है, इसमें ये ऐड कर लिए। ये कैबेज है, ये ब्रोकली है,
ये खीरा, ये थोड़ा हरी मिर्च, ये भी आप अपनी स्वाद अनुसार डालिए, आपको कितना पसंद है। ये गाजर है, ये अदरक है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ, ये पत्ता गोभी है, चलिए अब फ्रेंड्स हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। ये बहुत थिक हो गया है फ्रेंड्स, तो इसमें हम थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे। ये बहुत स्वादिष्ट लगता है और बच्चे और बड़े सभी इसको बहुत पसंद करते हैं और ये हेल्दी भी होता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। वैसे ये सारी सब्जियां पानी छोड़ती हैं, इसलिए ये थोड़ा अपने आप ही गीला हो जाता है थोड़ा रखने पर। तो फ्रेंड्स ये तैयार है आप लोगों के लिए वेज रायता। बस लास्ट में फ्रेंड्स थोड़ा सा धनिया और पुदीना, मैंने जो बारीक कट करके रखा है उसे ऐड कर देते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है आप लोगों के लिए ये वेज रायता। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को ये वेज रायता पसंद आएगा। यदि फ्रेंड्स आप लोगों को ये वेज रायता पसंद आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और यदि आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, और यदि आप और आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।